अभी हम लोग ताजपुर प्रखंड के रजवा पंचायत में हैं और ये वार्ड नंबर 12 है। यहाँ ग्रामीणों का घर गिर गया है, जो कि देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं ये, और इनको अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, ना मुखिया जी की तरफ से मिली है, पूर्व मुखिया, और ना ही वार्ड मेंबर की तरफ से। देखने तक नहीं आया। आपके पीछे जो घर दिख रहा है, ये घर तो गिरा हुआ है जी, तो क्या कहना चाहते हैं इस घर के बारे में आप? इनको निर्णय चाहिए, पानी की सलाह से गिर गया, बच्चे लोग घायल हुआ है, कुछ बच्चे लोग है, गरीब आदमी है, इसको कुछ मदद मिलना चाहिए ना। तो स्थानीय मुखिया के पास आप लोग गए कि नहीं? हम लोग गए थे, वहाँ बोला गया तो वही कहा, नहीं बोला गया इलेक्शन है ये वगैरह, अभी कुछ कुछ नहीं कर दिया जा सकता है। मतलब चुनाव आ गया तो गरीब की मदद नहीं होगी, चुनाव खत्म हो गया तो गरीब की मदद होगी। हाँ बस वही, उनका कहने का अनुसार यही है, तो हम लोग बहस नहीं की, वो चला गए, वो लोग गए। आपके वार्ड मेंबर साहब के पास आप गए कि नहीं? वार्ड मेंबर साहब मेरे घर के बगल में है, वो भी देख के वो भी चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, से भी देख रहे हैं इस चीज को, अगर चाहते तो इस चीज पर भी मुखिया जी का निर्णय करके सलाह करके वो लोग कम से कम उनको निर्णय दिया जाता। आप यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है क्या जी? क्या नाम है आपका? मेरा अमीर मोहम्मद सनाउल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। ऐसे घरों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत एप्लीकेशन बहुत दिया इनको सब, आजकल पैसा भी नहीं रखा गया, 500 रुपए करके ले भी गया। कौन लिया? वार्ड मेंबर लिया, मुखिया लिया, यही लोग ले लिया सर। मुखिया कितना पैसा लिया इनसे? 500 रुपया। कितना लिया था? मेंबर साहब लिया, मेंबर से कितना लिया? 500 लिया। 500 लिया, मतलब क्या कह के? घर के नाम पर, घर के नाम पर जो है सो काम होगा, मेरा आवास वाले दिवाएंगे, बस पैसा लिया, उसी को इंतजार में मतदान बनाऊंगा, उसका चक्कर में क्या हुआ, घर टूट गया, गिर गया सीधे। जो पूछिए ना, ये जो घर गिरा है, ये घर आपका है? भाई का है, फुफेरा भाई का। अच्छा, फुफेरे भाई का है। तो ये किस वक्त की घटना है? बताया जा रहा है कि रात की घटना है, क्या सही है? 8 बजे गिरा है घर, 8-9 बजे। तो लोगों को चोट भी लगी? रात में गिरा है। चोट भी लगी है? हाँ, बच्चा सबको चोट लगा है। तो अब जो ये घर तो गिर गया, हाँ, बारिश के कारण ना? हाँ, बारिश के कारण। लेकिन स्थानीय मुखिया के पास आप लोग भी गए कि नहीं? नहीं गए। आप लोग नहीं गए हैं? अभी तो चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो चुनाव के जो उम्मीदवार, मुखिया उम्मीदवार जो खड़े हैं, क्या कोई आया नहीं मिलने? कोई नहीं आया, कल 8 बजे रात में गिरा है, लेकिन कोई देखने भी नहीं आया। गेबो किए हैं भैया, तो उनको जवाब मिला कि अभी दौड़ धूप करने से कोई फायदा नहीं है, और जाइए वैसी घेर घाट के। लेकिन एक गरीब मजबूर आदमी मदद किससे मांगे? पूर्व प्रतिनिधि से नहीं मांगे तो किससे मांगे? किससे ना मांगे यार, किसको जाएगा? आप लोगों ने उनको मालिक बनाया है जी, तो मदद तो उन्हीं से ना लीजिएगा? लेकिन जवाब मिला वही कि अभी कोई फायदा नहीं होगा, तो कहीं देखने भी नहीं, बच्चा सबको चोट लगा है, ये सब चीज बर्बाद हो गया। घर देखने नहीं आया मुखिया जी? कितना कैंडिडेट खड़ा है, कोई नहीं आया देखने के। आपके पीछे जो ये घर है, ये कैसे गिर गया? सलाबी से जो है पूरा गिर गया, मतलब लगातार जो बारिश का पानी हो रहा था उसके कारण ये घर गिर गया। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका दिख रहा है, तो क्या किस वक्त की ये घटना है? 7-8 बजे का। तो इस टाइम में तो मतलब घर में आप लोग सो रहे थे क्या? किसी को चोटें वगैरह भी लगी? हाँ, ननकी सब धिया पुता सब चोट लगा हुआ है। घर में कितने बच्चे होंगे? 5 बच्चे हैं, जो हम लोग फैमिली। अच्छा, मतलब ज्यादा चोटें ना लगी? लगा हुआ है, कमर में है सबका। तो अब ये बताइए कि यहाँ के जो मुखिया जी जो हैं, उनके पास अब गए कि नहीं? मुखिया जी के पास गए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी जो है सो इलेक्शन है, क्या कर सकते हैं? मतलब इलेक्शन है क्या, जैसे कुछ और तो कहा होगा कि मदद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अभी जो है सो कोई उपाय नहीं, मतलब आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने मना कर दिया। क्या नाम है मुखिया जी का? मोहम्मद मुस्तफा। पूरा नाम बोलिए। तूफा जी। अच्छा, ये पंचायत कौन सा हुआ? पंचायत महादीनपुर रजवा हुआ, वार्ड नंबर 12। आप इस घर के सदस्य हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन।